हम लोगों को बुलाया और वहाँ हम लोगों की बातें हुई, उनको सारी बातें भी कही गई, उन्होंने बहुत सकारात्मक दिया और हम लोगों ने ये कहा कि ये मुख्य सचिव या इनके स्तर का मामला नहीं है, ये मामला राजनीतिक विल का है। और मुख्यमंत्री जी को आपने पहले भी लिखा है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने पहले लिखा है और मोदी से बात करने वाले आपने लिखा है, इतना सा हमारे पास है तो इसके बाद इसमें राजनीतिक विल आनी चाहिए और इसको पूरे कर्मचारी जो समाज है हमारा, जो पूरे प्रदेश का लगभग 25 लाख कर्मचारी समाज हमारा है उत्तर प्रदेश का, उसको राहत मिलनी चाहिए। और यदि वो चाहता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू हो तो पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया और काफ़ी देर बात करने के बाद हमारी बातों को सुना और उन्होंने उसके लिए कमेटी जारी की, जिसको उन्होंने 2 महीने का समय दिया कमेटी को। उस कमेटी में 6 लोग सरकार के हैं, 1 दिल्ली का भी उसमें है अधिकारी और 2 लोग हमारे संगठनों से रखे गए। ये भी पहली बार हुआ कि जब 2 लोगों को संगठन की इसमें कार्रवाई में रखा गया जो अपने साथ लड़े में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। 24 दिसंबर के बाद अगर 24 दिसंबर तक हमारी कार्रवाई नहीं होती है, समुचित व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है, तो निश्चित रूप से 25 दिसंबर के बाद हम लोग बहुत बड़े बड़े आंदोलनों पर जाएंगे। तब तक चुनाव भी निकट आ जाएगा। हमें पूरी मंशा है हमारी कि अगर उन्होंने नहीं किया राजनीतिक निर्णय, उन्होंने नहीं लिया तो निश्चित रूप से राजनीतिक निर्णय हमारे 25 लाख कर्मचारी और उनके परिवार यानी 1 करोड़ के ऊपर के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में लेंगे और वो निर्णय किसके पास जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये सरकार को सोचना पड़ेगा, इस शासन को सोचना पड़ेगा और उनके लोगों को सोचना पड़ेगा। का जो आंदोलन था वो अभी रहेगा या नहीं? आज का आंदोलन अब हम स्थगित कर रहे हैं 24 दिसंबर तक।